छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों के लिए 15 नवंबर की शाम प्रचार थम गया। 17 नवंबर की सुबह 70 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ 70 सीटों में 958 अभ्यर्थियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। प्रचार थमने के पहले सियासी दलों ने कैसे झोंकी ताकत, किसने किए जीत के दावे, देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों में 17 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसलिए सियासी दलों ने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रचार के अंतिम दौर में स्टार प्रचारकों ने जहां एक साथ कई सभाएं की, जमकर सियासी तीर भी छोड़े गए। भाजपा की ओर से जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने चुनावी सभाएं की, वहीं कांग्रेसी खेमे में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभाएं हुईं। राहुल गांधी ने बलौदा बाजार और बेमित्रा में सभाएं की। मुख्यमंत्री ने भी बेमित्रा और दुर्ग में सभाओं को संबोधित किया। वहीं अंतिम समय में दुर्ग शहर, वैशाली नगर, भिलाई नगर और अहिवारा में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करते नजर आए। वहीं कांग्रेस के अंतिम दिन में गृह लक्ष्मी योजना को महिलाओं तक पहुंचाने सभी जिलों में महिला नेत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। कुल मिलाकर दोनों ही प्रमुख दल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहां ताकत झोंकते नजर आए, वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों चरणों में भारी बहुमत के साथ जीत का दावा किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूरे प्रदेश में शानदार रिस्पॉन्स की बात कही। साथ ही भाजपा के दावों पर कहा कि रमन सिंह खुद चुनाव हार रहे हैं। वो खुद हार रहे हैं, जीत के क्या दावा कर। ये बता रहा है कि अब वो उसके लोकप्रियता ढलान पे है और इस कारण से लगातार सभी विधानसभाओं में जो पिछड़ते जा रहे हैं उसके कारण जो बखलाहट है, अब बखलाहट के कारण से इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग कर। अब तो ये स्पष्ट हो गया और दुनिया के सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ वोट बहुमत की ओर बढ़ रही है। सीटों की संख्या के बारे में एनालिसिस तो मैं नहीं करता, पर पूरे छत्तीसगढ़ घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रथम और द्वितीय चरण के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार तो थम गया है, अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। प्रचार थमने के पहले पार्टियों और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में किसके वादों और इरादों पर जनता जताएगी भरोसा, किसका दाव होगा सफल, अब यह 3 दिसंबर को परिणाम के साथ ही पता चलेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।